हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एलआईसी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ब्लड रिलेशन का, जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाला है। और ये हम लोग डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे हम नए पैटर्न का, यानी कि ट्री बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं आजकल एग्जाम में, वही हम लोग थोड़े से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ट्री बेस्ड ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है दो क्वेश्चन। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सीख लीजिएगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप इन्हीं के आने की उम्मीद है पूरी। अगर आपको हिंदी की क्लासेस चाहिए एलआईसी असिस्टेंट के लिए, तो आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर, वहाँ पे आपको हिंदी की जितनी भी क्लासेस है वो सारे के सारे देख सकते हो। और इससे पहले जो हमने सिंप्लीफिकेशन की क्लास डिस्कस की थी, उसकी भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ में हमने जो नंबर सीरीज़ की क्लास डिस्कस की थी, उसकी भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, वो भी वीडियो ज़रूर देख लेनी है आपके एग्ज़ाम से पहले। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लास्ट के 20 दिन हमारे पास में बचे हैं, तो अब जितना ज़्यादा हो सकेगा मेरी तरफ से मैं आपको कवर करवाऊंगा, और अपने अकॉर्डिंग भी आपको देखिए अब प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि क्लर्क का रिजल्ट आ गया। देखिए IBPS RRB क्लर्क का रिजल्ट आया है, और जिनका नहीं हुआ है उनको LIC असिस्टेंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके चलना है। करना क्या है, मॉक टेस्ट तो आपको देखिए सॉल्व करना ही है, प्रैक्टिस तो आप लोगों की पहले हो चुकी है अच्छे से, और भी हम लोग कर लेंगे, बट साथ ही साथ में आपको अब मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। 20 दिन में मिनिमम यार 12 से 15 मॉक टेस्ट, इतने मॉक टेस्ट अगर आप लगा के जाते हो तो काफ़ी होंगे। कौन से लगाने हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे आपको मॉक टेस्ट। तो ये है परीक्षा ऐप, और परीक्षा ऐप के जो मॉक टेस्ट हो आपको यूज़ करने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो कूपन कोड है GRAMGOV40, इस कूपन कोड को अगर यूज़ करोगे तो आपको 40% का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। LIC असिस्टेंट के भी हैं, IBPS क्लर्क प्री के भी हैं, और IBPS PO प्री के भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो आपको एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत एडवांस लेवल के ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो कि आपका जिन क्वेश्चन का प्री से लेना देना ही नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्री का आपका एग्जाम होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी चीज़, आप मोबाइल फ़ोन से लगा सकते हो इन टेस्ट सीरीज़ को, किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत भी आपको नहीं है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आप परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट यूज़ कीजिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, ट्री बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। आप एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फिर आप लोग इन क्वेश्चन को ईजिली कर जाओगे। ये जो क्वेश्चन है ये IBPS RRB PO मेन्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो लास्ट ईयर के, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है, ताकि जिस लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेवल भी हमें पता चल जाए, और उसके साथ ही साथ में अच्छे से हमारे प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ट्री बेस क्वेश्चन को। ट्री बेस क्वेश्चन होता क्या है पहले तो ये चीज़ आप लोग समझ लो। ट्री बेस इन द सेंस कि एक फैमिली बेस, यानी कि एक फैमिली के मेम्बर्स बता दिए जाएंगे आपको। मान लीजिए एक कपल है, उसके दो बेटे हैं, कुछ इस तरीके से। अगर मेल है तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा, और फीमेल है तो मैं सर्कल बनाऊंगा, इस तरीके से। फिर उनकी भी किसी से शादी हो गई है इस तरीके से, तो उनके भी बच्चे हो गए। ये एक तरीके से ट्री बन गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो देखिएगा वो क्या बोल रहा है, जी इकलौता सहोदर है एम का, जी इज़ ओनली ब्रदर ऑफ एम। तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए जी अगर ब्रदर है तो मैं जी को यहाँ पर लिख सकता हूँ, और एम को यहाँ पर लिख सकता हूँ, सेम जनरेशन के हैं इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। और ब्रदर कौन है, वो जी है ब्रदर, तो जी पे मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर बना दूंगा इस तरीके से, स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो किसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो उसको। अब एम का मुझे नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए मैं एम के ऊपर कुछ भी नहीं करूँगा, ना सर्कल ना स्क्वायर, किसी तरीके की कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि एम का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है यहाँ पर, वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकता है। तो चलिएगा एक बार इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये जी जो है वो एम का भाई है, जी इज़ ओनली ब्रदर ऑफ एम। फिर लिखा हुआ है कि पी पत्नी है जी की, पी इज़ वाइफ ऑफ जी, पी जो है वो जी की क्या है, वाइफ है। तो किस तरीके से बनेगा, देखिए पी को मैं इस तरफ लिख सकता हूँ जी के साथ में, और पी अगर वाइफ है तो पी के ऊपर सर्किल आ जाएगा, और जी और पी दोनों को मैं एक बड़े सर्किल में लिख देता हूँ, ताकि मुझे ये पता रहे कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। इस तरीके से यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने पी को और जी को बना दिया है, और साथ ही साथ में ये भी लिखा हुआ था नेक्स्ट लाइन कि एम का विवाह सी के साथ हुआ है, तो एम और सी को मैंने एक साथ लिख के बड़े सर्कल में बना दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, एम इज़ मैरिड टू सी। अब ना तो मुझे सी का जेंडर पता है और ना ही मुझे एम का जेंडर पता है। नेक्स्ट देखिएगा वो बोल रहा है कि एल इकलौता पुत्र है सी का, अगर एल इकलौता पुत्र है सी का, एल इज़ द ओनली सन ऑफ सी, तो सी से एक जनरेशन नीचे मैं एल को बना सकता हूँ, और एल का मुझे जेंडर भी क्लियर है कि वो क्या है, मेल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो चलेगा मैं इसको भी एक बार बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एल को बना लिया है कि सी का सन कौन है, एल है, वो कि इकलौता पुत्र है। उसके बाद में बोला गया है कि एस ससुर है पी का, एस जो है वो ससुर है पी का, एस इज़ फादर इन लॉ ऑफ पी।
तो देखिए पी कहाँ पे, यहाँ पे पी का हस्बैंड कौन है, जी। अब ससुर कौन होता है, फादर इन लॉ कौन होता है, हस्बैंड का फादर, हस्बैंड के फादर, यानी हस्बैंड कौन है, जी है, और इनके फादर कौन हो जाएंगे, एस हो जाएंगे। इस तरीके से जेंडर क्लियर था, ससुर है इसलिए मैंने एस को बॉक्स में लिख दिया, यानी कि स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि के जो है वो ग्रैंडसन है एस का, के इज़ ग्रैंडसन ऑफ एस। तो के अगर ग्रैंडसन है एस का तो कहाँ पे आ जाएगा, जी का ग्रैंडसन है, तो जी का क्या हो जाएगा, वो बेटा हो जाएगा। तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने जी का जो ग्रैंड, जी का जो सन हो जाएगा के, वो एस का क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ब्लड रिलेशन मुझे दिया गया था, यहाँ पर जितना भी डाटा था उसको मैं कंप्लीट बना चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर मैं कर दूंगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है कि एम का ना तो जेंडर पता चल पाया, ना ही सी का जेंडर पता चल पाया। तो अगर वो एम और सी के बारे में पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, इस तरीके से आंसर कर देंगे। तो चलिएगा किस तरीके से आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि सी किस प्रकार जी से संबंधित है, हाउ सी इज़ रिलेटेड टू जी। तो जी कहाँ पे, यहाँ पे, और सी कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब उसने रिलेशन किसका पूछा है, सी का रिलेशन पूछा है जी से, यानी कि आपको ये बताना है कि सी जो है वो सी जो है उसका रिलेशन बताना है जी से, यानी कि सी जी की क्या लगता है या क्या लगती है। तो इस चीज़ का तो हम लोग कन्फर्म है ही नहीं, क्योंकि सी का जेंडर ही क्लियर नहीं है। सी सर्कल पर भी हो सकता है और सी किस पे हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर पर भी हो सकता है। तो अगर सी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं, सी को रिलेट नहीं कर सकते हैं जी के साथ में। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि के किस प्रकार पी से संबंधित है। तो के कहाँ पे, यहाँ पे, पी कहाँ पे, यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिएगा, के किस प्रकार संबंधित है, के अगर जे का बेटा है तो के पी का भी तो बेटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो के किस प्रकार संबंधित है पी से, पुत्र। अगर हाउ के इज़ रिलेटेड टू पी, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग सन, सन होगा कौन, के होगा किसका, पी का, हिंदी में पूछेगा तो पुत्र। तो ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चल रहे हैं हम लोग, और वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इससे वो भी आया हुआ क्वेश्चन है मेंस एग्जाम में, तो उसको भी एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा बस लैंग्वेज ज़्यादा है इसमें, डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी जो तरीका होगा वो वही होने वाला है जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। सबसे पहले बोल रहा है के जो है ना वो जे का भाई है, के इज़ ब्रदर ऑफ जे, के क्या है, जे का ब्रदर है। तो इस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, के को मैंने यहाँ पे लिखा और जे को मैंने यहाँ पे लिखा। वो क्या बोल रहा है, के जो है ना वो जे का भाई है, तो के को मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और जे का मुझे जेंडर नहीं पता इसलिए मैं इजीली नॉर्मली इसको यहाँ पे लिख के छोड़ सकता हूँ। तो चलिए कन्फर्म हो गया, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने के और जे का रिलेशन यहाँ पे बना दिया है, के जो है उसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया है और जे मुझे नहीं पता इसलिए मैंने नॉर्मली लिख दिया। फिर वो बोल रहा है कि जे जो है ना वो वाई की माता है, जे इज़ द मदर ऑफ वाई। तो अगर जे माता है, मदर है, तो जे क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, और इससे एक जनरेशन नीचे कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, वाई को नीचे की तरफ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक जनरेशन नीचे आएगा। वाई कौन है, मेल है या फीमेल है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि जे जो है ना वो वाई की माता है, बस मुझे इतना पता है। तो इसको मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। तो देखिएगा, मैंने कन्फर्म कर लिया, जे जो है वो वाई की माता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वाई जो है ना वो टी की बहन है, Y इज़ अ सिस्टर ऑफ T। तो Y को मैंने क्या कर दिया, T की सिस्टर बना दिया। तो T और Y को मैंने सेम जनरेशन है इसलिए एक लाइन में लिख दिया है, और T का जेंडर मुझे क्लियर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। फिर वो बोल रहा है कि T इज़ मैरिड टू Q, T का विवाह Q के साथ हुआ है। तो अभी देखिए T का जेंडर क्लियर नहीं है, Q का भी जेंडर क्लियर नहीं होगा फिर हमें। तो T और Q को मैं एक बार बना लेता हूँ, दोनों का अगर मैरिड है एक दूसरे से तो सेम जनरेशन में इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, सर्कल बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, टी और क्यू को मैंने सेम जनरेशन में बना के सर्कल बना दिया ताकि मुझे पता रहे ये दोनों क्या है, मैरिड है, ये दोनों, इन दोनों का क्या हुआ है, विवाह हुआ है। फिर वो बोल रहा है कि एस जो है ना वो जे का पिता है, एस एस जो है वो जे का पिता है। तो जे कहाँ पे, यहाँ पे, तो एस कहाँ पे आ जाएगा, इससे एक जनरेशन ऊपर, और एस बन के यहाँ पे पिता है तो स्क्वायर में, एस इज़ फादर ऑफ जे, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो चलेगा, मैं इसको बना लेता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने बना लिया है कि एस जो है ना वो जे का क्या है, फादर है। फिर वो बोल रहा है कि एस हैज़ ओनली वन डॉटर, एस को क्या है, सिर्फ एक ही डॉटर है, यानी कि एस को एक ही डॉटर है जे, और इसका सन कौन हो जाएगा, एक के, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई और बहन हो गए ना, रिलेट हमने शुरू में बता दिया था के क्या है, जे का भाई है। तो ये दोनों क्या हो गए, एस के क्या हो गए, डॉटर और सन। फिर वो बोल रहा है कि एस इज़ मैरिड टू आर, एस का विवाह आर के साथ हुआ है। तो एस का विवाह आर के साथ हुआ है, तो एस यहाँ पे है, तो आर इस तरीके से आ जाएगा, और आर जो है वो सर्किल में होगा। क्यों होगा सर्किल में, क्योंकि
एस जो है वो पहले ही हमारा स्क्वायर में आ चुका है, तो दोनों को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या फिर मुझे ध्यान रहेगा तो मैं सर्किल नहीं भी कर रहा हूँ, बट मुझे ध्यान रहना चाहिए कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मैरिड है। उसके बाद में देखिएगा वो क्या बोल रहा है, के जो है ना वो डी का भाई है, के इज़ ब्रदर ऑफ डी, तो डी का भाई है के, तो देखिए डी का भाई है के, तो अब देखिए डी के बगल में के आ जाएगा, यानी के बगल में डी आ जाएगा, लेकिन क्या आपको यहाँ पे डी का जेंडर क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि इस डाटा से आपको डी का जेंडर क्लियर नहीं होगा, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसने बोला है कि एस हैज़ ओनली वन डॉटर, एस का केवल एक ही पुत्री है, तो अगर एस को केवल एक ही पुत्री है तो बाकी के जो भी इसके बेटे या जितने भी इनके मतलब इनके जो भी पुत्र या होने वाले हैं वो सारे के सारे पुत्र होंगे, मेल होंगे, यानी कि इसके जितने भी बच्चे होने वाले हैं वो सारे के सारे मेल होंगे जे को छोड़कर, क्योंकि सिर्फ एक ही डॉटर है इसके और वो बन गई है जे, तो बाकी सारे के सारे क्या होने वाले हैं, सन होने वाले हैं, मेल होने वाले हैं, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर में लिखेंगे हम इसको। फिर वो बोल रहा है कि यू जो है ना वो डी का ससुर है, तो यानी कि डी का विवाह किसी के साथ हुआ होगा, मान लेते हैं कि इसके साथ, और इसका पिता कौन है, यू है, तो यू को इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। तो चलिएगा दोनों को मैं एक बार बना लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने बना लिया है डी को स्क्वायर में लिख दिया और यू को मैंने स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि डी का ससुर है यू, डी का विवाह किसी के साथ हुआ होगा वो नहीं पता, तो यहाँ पर हम लोग स्किप कर सकते हैं इसको। तो ये जो जितना भी डाटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग है कि ये ट्री बेस हमारा ब्लड रिलेशन बन गया है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि डी किस प्रकार वाई से संबंधित है, डी कहाँ पे, यहाँ पे, वाई कहाँ पे, यहाँ पे, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू वाई। तो देखिएगा डी का रिलेशन पूछ रहा है ना वो, तो डी को चेक करते हैं पहले, तो डी क्या है, मेल है, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए वाई को कैसे करेंगे, देखिए वाई की माता कौन है, जे है, वाई की माता कौन है, जे है, और जे का भाई कौन है, जे का भाई है डी, तो माता का भाई कौन होता है, या तो मामा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मैटरनल अंकल, या फिर नॉर्मल अंकल लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माता का जो भाई होता है वो मामा भी बोल देते हैं और कई बार ऑप्शन में अंकल भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम लोग कर देंगे, ज़्यादा टफ नहीं है ये, बस एक बार अगर आपने सीख लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोग इन क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे। तो फिलहाल के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।